हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहूस ऑफ सॉल्यूशंस पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो हमने पुट मेथड को यूज किया और देखा कि हम कैसे अपने डेटा को अपडेट कर लेते हैं सर्वर पर, जो कि हमने एपीआई बना रखा है, इन मेमोरी पे एपीआई अपने एंगुलर का ही प्रोवाइड जो करता है उसको। और आज जो दोस्तों वीडियो लेकर आए, हमें देखेंगे डिलीट कैसे करते हैं। दैट मीन्स कि ग्रिड व्यू में हम डिलीट का बटन देंगे, उस पर क्लिक करते ही हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा और उसको हम शो करा के भी दिखाएंगे कि हमारा डेटा डिलीट हो चुका है, ग्रिड व्यू में नहीं दिख रहा है। इन सारे चीज़ों को हम डिटेल्स में देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर मेरे पिछले दो तीन वीडियो नहीं देखा है आपने तो आप उसके बाद जरूर विजिट कर लें, क्योंकि उसमें हमने गेट पोस्ट पुट सारे फंक्शन यूज करके दिखाया है मेथड को, तो आपको बहुत ही आसानी होगा। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों डिलीट से हम क्या करते हैं कि HTTP डिलीट मेथड से डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। राइट, मींस कि हमें सर्वर को कोई भी डेटा डिलीट करना होता है तो HTTP क्लाइंट का जो मेथड होता है डिलीट, उससे हम उसको डिलीट करते हैं। राइट, तो इसका एक कोड है डिलीट में, हम URL पास करते हैं जो API का सर्विस होता है, आप देख सकते हैं कि सर्विस का URL पास करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों कि ऑप्शंस होता है, ये ऑप्शनल होता है, मींस कि पैरामीटर होता है, हेडर होता है, उसको हम पास करने की जरूरत नहीं होती है। और HTTP क्लाइंट का जो गेट मेथड होता है, हमने HTTP डायरेक्ट लिख रखा है कि पहले HTTP होता था, अब HTTP क्लाइंट हो गया है। राइट, तो ये रिटर्न करता है ऑब्जर्वेबल का इंस्टांस जिससे हम रिस्पॉन्स मिल जाता है। राइट, तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं प्रोजेक्ट में, तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। राइट, तो दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट जिस पर हमने पुट मेथड, पोस्ट मेथड, गेट मेथड अप्लाई करके देखा है। इसी में हम क्या करते हैं कि डिलीट का भी ऑपरेशन कर लेते हैं। तो इसमें चलते हैं, पहले तो क्या करते हैं दोस्तों कि एक बटन बना लेते हैं डिलीट के लिए। राइट, जिस पर हम डिलीट का मेथड बनाएंगे उसको क्लिक करके डिलीट करेंगे। राइट, तो मान लो दोस्तों हमने इसको डिलीट के बनाया, यहाँ पर लिख लेते हैं डिलीट। राइट, और डिलीट फंक्शन का नाम लेते हैं बुक डिलीट। राइट, अब इसी को हम बना लेंगे component.ts फाइल में। इससे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि सर्विस में एक सर्विस बना लेते हैं डिलीट के लिए। ये सर्विस है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे कि एक डिलीट का फंक्शन बनाएंगे मेथड, तो चलिए इसको कॉपी करके इसी में चेंज कर लेंगे ताकि ज़्यादा कोड ना करना पड़े। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे डिलीट, फंक्शन का नेम चेंज कर लेंगे। राइट राइट, इसके बाद इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसको हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग टाइप का बना लेते हैं, बुक आईडी पास करेंगे, क्योंकि जिस बुक आईडी को डिलीट करना होगा वही पास कर लेंगे, वेरिएबल लिया हमने और इसको स्ट्रिंग कर लेते हैं। राइट, स्ट्रिंग कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो है इसको इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, इतना पैरामीटर हम नहीं पास करते हैं इसमें, क्योंकि हम डिलीट करना होता है, यहाँ पर बुक आईडी लिख देंगे। राइट, इसको बुक आईडी जो हमने अभी वेरिएबल लिया उसको पास कर देंगे। राइट, और यहाँ पर हम पुट को डिलीट मेथड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये हो गया हमारा सर्विस में। राइट, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे component.ts फाइल में, वो भी किस नेम से, जो यहाँ पर हमने बनाया था। राइट, इस नेम से बनाएंगे और यहाँ पर component.ts फाइल में एक फंक्शन बना लेते हैं और इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें भी हम पैरामीटर पास करेंगे बुक आईडी। इसी बुक जो जिस बुक आईडी पर क्लिक करेंगे उसका आईडी इसमें पास होगा और उसको डिलीट करेंगे हम, यहाँ पर हम करेंगे। उसके बाद लिखेंगे डिस डॉट बुक सर्विस, जो हमारा सर्विस है उसमें जो हमने फंक्शन बना रखा है उसमें हमने डिलीट का जो फंक्शन बनाया उसको कॉल कर लेंगे यहाँ पर और बुक आईडी पास कर देंगे। राइट, बुक आईडी पास करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, डॉट सब्सक्राइब जो इंस्टांस रिटर्न करता है उसको हम गेट करेंगे, अब चेक कर लेंगे। राइट, यहाँ पर बुक इक्वल टू गोज टू करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, दिस डॉट गेट सब बुक्स। अब यहाँ पर अपने डिलीट होने के बाद जैसे डिलीट होगा अपना सारा डेटा यहाँ पर शो करा देंगे, मींस कि टेबल को बाइंड कर लेंगे डिलीट को। राइट, तो ये हमारा बन चुका है, इसको रन करा कर देखते हैं ब्राउजर में कि कैसे डिलीट होता है। राइट, तो दोस्तों ये हमारा ब्राउजर में डेटा आ चुका है। पहला डेटा बाय डिफॉल्ट आता है, जो हमने डेटा में रख रखा है, जो क्रिएट डीबी बना रखा है एपीआई में, वो डेटा आ गया। फिर अब दोस्तों हम यहाँ पर कोई भी डेटा सेव कर सकते हैं, यहाँ पर सबमिट करेंगे आपका यहाँ डेटा शो हो जाएगा। यहाँ पर डिलीट के बटन भी आने लगा है, जैसे डिलीट पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा।
राइट मींस कि हमारा डिलीट का ऑपरेशन भी परफॉर्म होने लगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पिछले में हमने जो किया था एडिट का भी काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि उसी पर प्रोजेक्ट में हमने काम किया। इसको यहाँ पर एच एच करके इसको सबमिट करेंगे, अपडेट भी हो जाएगा, दिखा रहा है सेव सक्सेसफुली। तो दोस्तों क्या होता है कि पुट पोस्ट गेट जो एच टी टी पी क्लाइंट के मेथड होता है सर्वर पर कम्युनिकेशन को परफॉर्म करता है, मीन्स कि इंसर्ट करना होता है, डिलीट करना होता है उसको। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि हम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सके। तब तक के थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाइक दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर करा जाता है, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है, पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है, ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा, वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा। लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आपको आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है, हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं किसी न किसी बड़े MNC में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं, इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, एक दो साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर, आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए इस सीरीज के साथ। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।